विराट, अरे विराट विराट विराट, थैंक्स थैंक्स, तेरी वजह से मेरी इतना अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ पे, बहुत खुश हूँ मैं। बकवास बंद कर अपनी, इतनी घटिया हरकत करने के बाद अपना सिंपैथी कार्ड खेल रहा मेरे सामने। तुझे अभी भी ऐसा लग रहा ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तेरा घटिया चेहरा बहुत पहले देख चुका हूँ मैं, अच्छे से जानता हूँ। ये सुबह गिफ्ट बॉक्स में तूने सांप भेजा ना मेरे घर पे। सांप? क्या बोल रहा है आदमी, सांप क्यों भेजूंगा? ओवर एक्टिंग मत कर मेरे सामने राजीव, अच्छे से जानता हूँ ये सब तूने किया। चल बता, अगर तूने ये सब नहीं किया तो सुबह कहाँ था तू? क्योंकि जेल में तो था नहीं तू। मैं, अच्छा मैं बोलूँ तू मान जाएगा? मेरी बात तो मानता नहीं है। रुक एक मिनट, रुक सर। अरे भाभी, हाय भाभी, गुड मॉर्निंग सर। सर बताइए ना भाभी जी को कि मैं कहाँ था, आप ही लाए ना मुझे यहाँ पे। सर कब लाए? देखो सुबह 9 बजे हम राजू को यहाँ लेके आए थे। 9 बजे के आसपास ही पार्सल आया था घर पे, और ये पूरा टाइम आपकी नजरों के सामने था। बिल्कुल, और कहाँ जाएगा। थैंक यू। मुझे नहीं लगता इससे बात करके कोई फायदा है, पुलिस की बातों से लगता है ये पार्सल इसने नहीं भेजा। चलिए प्लीज, चलिए चलिए प्लीज प्लीज चलिए। मुझे अभी भी लगता है कि ये एक सेकंड, सांप को बांध के नहीं रखा जा सकता, वो तो मौका पाके एक छोटे से सुराख से भी निकल जाता है अपने शिकार के पीछे, और जब तक शिकार ये जान पाता है जान से चला जाता है। तुम्हारे साथ भी यही होगा, इस जहरीले सांप का जहर का भेद नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर उस विराट की वजह से मेरी अम्मू पर जरा भी आंच आई ना, तो वो अहूजास इस वंदना कसबेकर का वो रूप देखेंगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनके खानदान को, उनके घर को जला के खाक कर दूंगी। बकवास है बिल्कुल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मुझे फिक्र आपकी कि जो कोई भी है वो आपको निशाना बनना चाहता है, और मैं ऐसा हूं ही नहीं।